आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा कट हो गया है TDS के नाम पर, और TDS का पैसा अभी तक आपका रिफंड आया नहीं है, भले आपने ITR फिलअप कर दिया हो। लेकिन कोई कोई बंदे ऐसे हैं जो कि ITR अभी तक फिलअप नहीं किए हैं और उनका TDS पैसा कट हो गया है। तो अगर आपका TDS पैसा कट हो गया है तो कैसे वापस लाया जाए, इसके लिए इस वीडियो में आपको एक डिटेल्स प्रोसेस बताऊंगा। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका ITR फिलअप हो जाएगा और आपका TDS पैसा भी रिफंड हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरा मैसेज आया है कल रात को ही और मेरे अकाउंट में भी आ चुका है TDS का पैसा, जो रिफंड हो चुका है ITR फाइल करने के बाद। तो कैसे किया मैंने, चलिए वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना है अपने डिजिटल पोर्टल सेवा में। अगर आपके पास डिजिटल पोर्टल सेवा नहीं है, CSC ID नहीं है, तब आप अपनी नियरेस्ट किसी भी CSC सेंटर में जाकर ये काम करवा सकते हैं। तो आपको आना है CSC केंद्र में, यानी कि CSC के डैशबोर्ड में, और आपको सर्च पर क्लिक करके टाइप करना होगा TAX। इसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टू विन है क्या, नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू लिखेंगे तो आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट टू लिखा, टैक्स लिखा और नंबर में टू लिखा तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट टू विन डॉट बिज बाय CSC बाय लॉगिन, ये वेबसाइट है और CSC के साथ टाइप है टेक्स्ट टू विन। अभी आपको मेन बात, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाता है, इस नंबर में आप कॉल करेंगे तो आपको फुल गाइड करते हैं ये लोग, फुल गाइड करते हैं। अगर आप एक CSC वैली हैं और अगर आपको CSC के तरफ से अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक टारगेट था। अगर आप 1000 ITR फाइल करते हैं तो आपको एक बुलेट बाइक फ्री में मिलेगा, 500 ITR फाइल करेंगे तो रेफ्रिजरेटर, 200 करेंगे तो TV। इस तरीके से आपको बहुत सारा यहाँ पर प्राइजेस रखा गया है। खैर वो तो छोड़िए, अभी बात करते हैं आपको फाइल कैसे करना है। यहाँ पर देखिए नीचे है CSC वैली लॉगिन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपको फाइल करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी आपने किया हुआ है उसका स्टेटस जानना है तो नीचे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऊपर बोर्ड पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको फाइल करना है ITR को। इसके बाद लॉगिन विथ डिजिटल सेवा करंट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने ID पासवर्ड यहां पर एंटर कर लिए थे बोल के यहां पर नहीं मांगेगा पासवर्ड। इसके बाद यहां पर देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है, यानी कि कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशन देना होता है, आपको कुछ और नहीं करना है। बहुत सिंपल तरीके से आप यहां पर ITR फाइल कर सकते हैं और आपका TDS का पैसा जो है कट चुका है आप वापस ला सकते हैं। अभी काफी सारे लोग बोलेंगे कि TDS का पैसा हमारा वेरियस फील्ड में कटा है, हमने ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से पैसे कमाए था वहाँ पर कटा है, एंजल बुकिंग से कटा है, CSC के पे आउट करते वक्त कटा है, पेनियर बाय में काम करते वहाँ पर कटा है, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पर कितना कटा है, वो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब आप डालेंगे ना आपका पैन कार्ड नंबर से ही आपका फैच हो जाएगा और वहाँ पर पैन कार्ड नंबर का आपका डिटेल्स निकल आएगा कि आपके पैन कार्ड नंबर में कितना TDS कटा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फॉर्म को फिल करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको यहाँ पर सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर नेम डालना है, फर्स्ट नेम आपका डालना है और लास्ट नेम आपका डालना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर यानी कि आपका मोबाइल नंबर डालना है, अगर आप किसी कस्टमर का कर रहे हैं तो कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, इनकम टैक्स पासवर्ड डालना है अगर आपका है तो, अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए यूजर टाइप है वैली और यूजर सिटीजन, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो वैली पर क्लिक करेंगे, किसी और के लिए कर रहे हैं तो यूजर सिटीजन पर क्लिक करेंगे। अपना एड्रेस देंगे, पिन कोड एड्रेस यहाँ पर देने, दो तरफ यहाँ पर डिटेल्स में लिखेंगे। इसके बाद डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, आपके पास कितना बैंक अकाउंट्स है यहाँ पर आप डिटेल्स में एंटर करेंगे। IFSC कोड देंगे, बैंक अकाउंट नंबर देंगे, मेन बैंक अकाउंट देंगे। इसके बाद ऐड मोर पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका मेन बैंक अकाउंट होगा वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसफर हुआ हुआ तो उस अकाउंट को आप मेन बैंक अकाउंट पर क्लिक करके वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप दिखाना चाहते हैं जिसका इनकम तो उस बैंक का ही आप यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद नीचे आएंगे मेन इनकम सोर्स, सैलरी आप मतलब कि कोई जॉब करते हैं क्या, तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो नो करेंगे, अदर इनकम है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। बिजनेस इनकम टर्नओवर आपका कितना है, 20 लाख से ज़्यादा है या फिर कम है यहाँ पर डालेंगे, अगर आपका कम है तो यहाँ पर डालेंगे, ज़्यादा है तो यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है हर साल तो यहाँ पर यस करेंगे, आपका 100-200 रुपया कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए ये नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं भी फिल करेंगे कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और क्लिक करना है सबमिट में। तो जैसे आप यहाँ पर फाइल कर देंगे तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही सी ए चार्टर्ड अकाउंट की तरफ से जो कि सी एस सी ने ही अपॉइंट किया हुआ है, इस टेक्स्ट ओविन के हिसाब से कॉल आएगा। वो आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप बिजनेस करते हैं या फिर सैलरीड हैं, कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं, आपको बताना है, आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं, स्कूल जाते हैं, ऐसे कुछ छोटे मोटे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना है। और आपका जो इनकम है कितना दिखाना है, वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा करेंगे तो आपको टैक्स कटता है और 5 लाख से कम करेंगे तो आपका टैक्स नहीं कटता, तो आप वहाँ पर बता देना आपको कितना करना है, इनकम कितना दिखाना है, वहाँ पर बता देना है आपको। एक बार आप बता देंगे वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली वो कर देंगे। उसके बाद आपने जिस सी एस सी सेंटर में ITR फाइल करे थे वहाँ पर एक फाइल आ जाएगा, उस फाइल को आप डाउनलोड करके दे सकते हैं कस्टमर को, या फिर अपने हिसाब से अगर आपका खुद का है तो आप खुद भी रख सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपका पैन कार्ड में कितना पैसा कटा है वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीन में लगा दूंगा कैसे कैसे टाइप का कटा था और आपको कैसे आएगा, मैं वहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आ जाएगा किस तरीके से आता है पैसा। और आपको कुछ और नहीं करना होता है इसके लिए, कोई मतलब मैजिक साइंस नहीं है कि आपको ये करना होगा, ऐसा नहीं। अगर आपके पास CSE ID नहीं है और अगर आप इनकम टैक्स की ऑफिसर वेबसाइट से ITR फाइल करना चाहते हैं और अपना TDS का पैसा रिफंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, तो मैं आने वाले दिन में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जैसे कि 31 जुलाई तक आपको फ्री है ITR, उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ चार्ज लगता है, बहुत चार्ज लगता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो आप जल्दी से कमेंट करिए ताकि मैं आज कल में वीडियो बना सकूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।